जय सिया राम जय जय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समझ नहीं कसी बालपन, तब अति रहे अचेत। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुड़। किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। तदपि कहे गुरु बार ही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेही होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊँ ही हर के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करौ कथा भव सरिता तरनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरी नंदिनी। संत समाज विश्वभार भर अचल क्षमासी। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हे तु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हियलसीसी। शिव प्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपति रासी। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गुड़ कथा को कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने
अर्थात पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए गुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। जय सियाराम। जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।